एजुकेशनल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूईटी एंटी टेस्ट, जो कि सब पाकिस्तान का इंजीनियरिंग सबसे बड़ा टेस्ट है, ईकैट कहलाता है, और उसके स्टैटिस्टिक्स पर बात करेंगे कि इस साल जो बच्चों ने कैसी परफॉर्मेंस रही है ईकैट में ओवरऑल। और अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो ईकैट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, अब हम आपको इनके होम वेबसाइट पर ले आए हैं जहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स शेयर किया गया है यूईटी की तरफ से। और आपको पता है कि जो ईकैट का टेस्ट है वो टोटल मार्क्स उसके 400 होते हैं, जो एक क्वेश्चन है उसके 4 मार्क्स होते हैं, तो 100 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे और 100 ही मिनट होते हैं हल करने के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। तो ओवरऑल एवरेज की बात कर लें पहले पूरे पाकिस्तान में जिसने टेस्ट दिया है, ओवरऑल ज़्यादातर बच्चों के 79 या 79 के आसपास बच्चों के मार्क्स आए हैं 400 में से। इस बार का जो अगर टेस्ट देखा जाए रिज़ल्ट तो ज़्यादा अच्छा नहीं है बन इस बार पहले सालों के। पहले साल बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर किए थे, लेकिन चलो इस बार बच्चे ज़्यादा सही तरह परफॉर्म नहीं कर सके, शायद टेस्ट पैटर्न मुश्किल था इस वजह से। और अब हम ग्रुप वाइज की बात कर लें ओवरऑल एवरेज की, तो बता दिया हमने आपको 79 है 400 में से। ग्रुप वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ICS में सबसे ज़्यादा जो लिए गए नंबर हैं वो 284 हैं और एवरेज रही है 85 की। प्री मेडिकल स्टूडेंट ने 258 मैक्सिमम लिए मार्क्स और जो एवरेज है वो 109 है, ज़्यादा बच्चे 109 ले सके हैं। प्री इंजीनियरिंग में से हाईएस्ट जो आए हैं वो 309 है और एवरेज 75 है। और स्टैटिस्टिक्स में जो है ICS स्टैटिक्स भी होती है ना, उसमें मैक्सिमम 115 है और मिनिमम 52। स्टैटिक्स में बच्चों का काफ़ी बुरा रिज़ल्ट आया मेरे नज़दीक, ये आप ग्राफ से भी इन्होंने शो किया हुआ है कि कम्बिनेशन वाइज एवरेज एंड मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का देख सकते हैं मैक्सिमम 284 और मिनिमम जो एवरेज है 85 का है। और इसी तरह प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और स्टैटिक्स का भी देख सकते हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात कर लें तो रावलपिंडी में मैक्सिमम 281 मार्क्स लिए गए हैं और एवरेज 91, सरगोधा 248 और एवरेज 83, लाहौर में सबसे ज़्यादा लिए गए हैं 309। हमेशा लाहौर से ही बच्चे ना वो टॉप करते हैं मेरे नज़दीक, इस साल भी इन्होंने ऐसे किया, लाहौर के बाद ही ज़्यादा, इस वजह से भी हो सकता है। और जो एवरेज 83 है, बाकी भी आप देख सकते हैं बारी बारी। और इसी तरह सियालकोट 187 मैक्सिमम एवरेज 78 की है, मुल्तान 230 और एवरेज 78, मियांवाली 232 और एवरेज है 77। इसी तरह ओकारा 220 और 74 जो है इनका एवरेज है। तो आप ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं रावलपिंडी, सरगोधा, लाहौर, ये सारे आप देख सकते हैं। तो ये इनकी होम वेबसाइट से आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ईकैट, क्योंकि इसकी बना पे आपको आगे एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है। और ईकैट यूईटी के लिहाज के अलावा यूईटी में भी एडमिशन के लिए बहुत अहम है। और इसके अलावा आप ना ईकैट के बेसिस पर 30+ जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये बड़ा अहम टेस्ट है इंजीनियरिंग टेस्ट के लिहाज से। और बाकी आपसे हमने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार का जो एग्रीगेट है यूनिवर्सिटियों में ई कैट के लिहाज से वो थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि इस बार बच्चों ने मार्क्स कम लिए टेस्ट में। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा जो है ना मेरिट कम होगा बनिस्बत पहले सालों के। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।